ये दरवाजे वाली कॉमन बीमारी है वैसे इसकी, ये देखो बंद नहीं हुआ है, ठीक है अभी भी बंद नहीं हुआ है अब बंद हुआ। अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर इतना ही फर्क है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको इसका सीवीटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबको अपने पैसे की कीमत जो है ना वो ज्यादा लगती ही है, वही वाली बात आ गई, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी। एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ठंड हो रही है, टोपा लगाना पड़ रहा है क्योंकि कान ठंडे हो जाएंगे तो जबान लड़खड़ाएगी मेरी। और एक बार फिर से हमारे साथ है i20, खास बात ये है CVT के साथ है और 9.5 लाख की गाड़ी है और इसके ओनर भी है हमारे साथ समर्थ। समर्थ बताएंगे कि क्यों ली है और ख़ास बात ये है कि ये चलने में कैसी है, जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे तब हम आपको फीडबैक दे पाएंगे क्योंकि समर्थ की ये पहली गाड़ी है। तो समर्थ आपने लगभग 9.5 लाख रुपए की ये गाड़ी ली, ठीक है, तो इसी के ऊपर आप कैसे चले गए दोस्त? मेरा एक तो बजट था अराउंड 9 to 9.5 lakhs का, बेसिकली अंडर 10 lakhs, और मेरा था एक कि मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी है और मेरी ड्राइविंग कम होगी, सिटी कंडीशंस में ही ज़्यादा रहेगी मेरी ड्राइविंग। अच्छा। तो उस वजह से एक कॉम्पैक्ट हैचबैक का ऑप्शन बनाया था ये, प्लस जो मैंने ऑप्शंस कंसीडर किए थे इसको लेने से पहले वो थे अमेज, अल्ट्रॉज, सोनेट और वेन्यू। बट सिंस ये अल्ट्रॉज में ऑटोमेटिक नहीं था तो वो एलिमिनेट हो गया था, बट बाकी वेन्यू और सोनेट में फुल ऑटोमेटिक नहीं मिल रहे थे और उनका बजट भी ऊपर जा रहा था उनकी कार्स का, तो वो एलिमिनेट हो गए थे। बाकी आई थिंक बलिनो, अमेज और इसमें थोड़ा फाइट था, मुझे लगा था कि इसके स्पोर्ट्स के इक्विवेलेंट जो उनका वर्जन होगा, वेरिएंट है उनका, उन दोनों कार्स का, वो लगभग 9 के आसपास पड़ रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा था शायद मे बी 50,000 ऊपर देने में इसका बेटर जो CVT है, मतलब जो अभी लॉन्च हुआ है वो थोड़ा रिफाइंड होगा और नई लुक के साथ, नई लुक के साथ आई है तो सारी चीजें, वो ऑलरेडी पुरानी है काफी सालों से सेम है और ओवरऑल इसके थर्ड जनरेशन है, 10 साल से मार्केट में चल रही है, मुझे लगा था रिलायबल भी होगी थोड़ी। ये तो है, देखो लॉजिकल तो है इसके, इनके जो सारे जो है इन्होंने जो भी कंसिडर किया वो लॉजिक बनता है और इसी वजह से आप इसके ऊपर भी जा सकते हो अगर आपकी भी यही नीड है तो। इसी वजह से हुंडई ने थोड़े से प्राइस बढ़ा के दिए हैं ताकि ट्रस्ट जो है वो ग्राहक को खींच के लाएगा। लेकिन जब इनसे बात हो रही थी मेरी तो इन्होंने ये गाड़ी 1 जनवरी को ली थी, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया था, नवंबर के अंदर शायद गाड़ी लॉन्च हुई है ये, दिसंबर एंड के अंदर डिस्काउंट भी मिल गया था इनको 10,000 रुपये का। लेकिन बात यह है कि ये रजिस्टर्ड होगी 2021 के अंदर और 2020 की ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। थोड़ा सा और आप डिजर्व करते थे ना? डिजर्व करता था बट मुझे पता था ये फरवरी में मुझे मिलेगा 21 मॉडल और थोड़ा घर में फैमिली फंक्शन भी था तो मुझे लगा था इसको पहले ले लेनी चाहिए थी। वही चीज़ है ना, वेटिंग में है तो आप इतना सोचते नहीं है इस चीज़ के बारे में। हाँ, वेटिंग में है और मुझे लगा था कि अब मिल रही है, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, मिनिमम 7 to 8 years, तो उस वजह से आई थिंक ये चीज़ इतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी 20 का मॉडल या 21 का। एक और चीज़ मेरे को समझ से थोड़ी सी दूर है क्योंकि जो गाड़ी ऑलरेडी वेटिंग में है उसके ऊपर भी डिस्काउंट है तो कुछ चीज़ें जमी नहीं लेकिन अच्छी बात है आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 10,000 काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद मिला है। अच्छा। शोरूम वाले बता भी नहीं रहे थे, कहीं और अच्छा। से पता किया था, किसी और ने इन्फॉर्म किया था कि हुंडई पे ऑफर चल रहा है तब जाके मेरे शोरूम। सॉरी, ये आप बोल रहे थे कि मैंने जो है टेस्ट ड्राइव ली थी गाड़ी की, मेरे को अच्छी लगी, क्या CVT टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल था? हाँ, ये कह लीजिए कि गुड़गांव में अगर 8 शोरूम हैं हुंडई के तो उसमें एक ही शोरूम पे अवेलेबल थी लकीली। उसने रिस्पॉन्ड किया, सर जो आप वेरिएंट देखना चाह रहे हैं, जो ऑटोमेटिक वर्जन देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ वही है। तो मैं गया उस दिन टेस्ट ड्राइव करने, मुझे काफ़ी स्मूथ लगी और जैसा हमने मतलब हिस्टोरिकली सुना के ऊपर तो टेस्ट ड्राइव नहीं करी थी आपने? नहीं सर, वाइट कलर था, ऐसा करते हैं डीलर भाई, वाइट कलर था बट एंड में ली उस शोरूम से नहीं क्योंकि उसने फिर डिले कर दिया, कहीं और से मैंने ली थी ये। एक बात बता दूं आप लोगों को, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है और इसमें लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी कीमत दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उसके टॉप मॉडल के जितनी ही है, लेकिन दो चार छोटे मोटे
फीचर हैं इसमें नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ है। टायर भी चौड़े वाले हैं आस्टा में जो आपको मिलते हैं विदाउट अलॉय व्हील, लेकिन जो इसका कवर है वो सेम आपको दिखेगा अलॉय व्हील की तरह। पागल बनाया जा रहा है, सीधी सी बात ये है। इसके, हाँ जी बताइए। हाँ, इसके एस्ट्रा में इतने फीचर्स थे जो मुझे लगा नहीं था मेरी रिक्वायरमेंट में है, तो इसलिए एस्ट्रा तो वैसे ठीक है ना, फालतू के अंदर क्यों पैसे ज़्यादा खर्च करने जो आपकी नीड है, और सारे ही फंक्शन आ जाते हैं। तो इन्होंने बड़ी कम चलाई है, तो ओनरशिप एक्सपीरियंस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको ज़रूर चला करके बता देते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है, आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, 9.5 लाख रुपए आपको इसमें डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, सिंपल। तो चलो चलाते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगा 9.5 ज़्यादा खर्च कर दिए लेने के बाद? 50,000 शायद हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये आपका अमेज़न बलिनो, बट ठीक है, आई थिंक अब कुछ नया प्रोडक्ट लेके आया है तो कुछ इसमें सबको अपने पैसे की कीमत जो है ना वो ज़्यादा लगती ही है। वही वाली बात आ गई, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टोमी। तो चलिए आप लोगों को इस i20 CVT को चला के देखते हैं और बताते हैं, देखते नहीं है, दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसी चलती है। और स्पोर्ट्स वेरिएंट पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिलेगी। समर्थ ने ये भी नहीं हटाया पावर बटन कौन सा है और वो कौन सा है, फाइन ट्यून वाला कौन सा हाइट वाला पावर बटन है, वॉल्यूम पावर लेफ्ट वाला। तो कोई टारगेट है किलोमीटर का, इतने किलोमीटर में निकालूंगा। लगता है 14-15 तो टच होनी चाहिए। ड्राइव मोड तो कुछ इस टाइप का जो है दिखाई देता है इसका, CVT बॉक्स गियर बॉक्स, काफ़ी शांत स्वभाव। मैं थोड़ा सा सीट को पीछे करूँगा, देख लेना आराम से बैठ के। ये एंगल देखो कैसे बैठा और फिर और भी पीछे कर रहा है सीट का, देखो इसके भाई पीछे वाले को भी सोचा कर, आपको जगह हो रही है बहुत सही। i20 है भाई, ये i10 नहीं है। अच्छा, इसका जो ये डिजिटल कंसोल है ये भी काफी अच्छा लगता है, काफी खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने बोला था ना कि यार पुराने वाला एंगल ज्यादा बढ़िया है, तो लो जी पुराने वाले एंगल के अंदर आ गए। आपकी बात को टाल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ मतलब ना। ये देखो अब बेटा वो जीत गया। तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है इसकी, जो CVT है ना जोर काफ़ी अच्छा लगा रही है, मतलब एक्सेलेरेशन अच्छा है, रबर बैंड इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन फील हो रहा है कि सस्पेंशन बहुत हार्ड है गडाक। कोई बात नहीं, कंपटीशन वाले कौन सा सॉफ्ट दे रखा है, उन्होंने भी हार्ड दे रखा है काफ़ी। आजकल हुंडई जो है स्टिफी दे रही है लगभग सभी गाड़ियों में। पीने का इनका क्या पर्पस रहा होगा, जैसे कि थोड़ा एरोडायनेमिकली, और मतलब एरोडायनेमिक्स नहीं मतलब स्टेबिलिटी बरकरार रहे, तेज स्पीड में आप जो है हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करते हो तो आपकी गाड़ी का बैलेंस बना रहे, बेटा कंट्रोल के लिए स्टेबल, कोई बॉडी रोल ना हो ज़्यादा। तो ये बॉडी रोल क्या होता है, बॉडी रोल? आज ये ठंड ज़्यादा हो रही ना, सबकी जबान लड़खड़ा रही है। तो तेरा एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, क्या? तो तेरे कान ठंडे हो जाते हैं तब तेरी जबान लड़खड़ाती है, ठंड लग जाती है ऐसा होता है। देना फिर से झटके आएंगे, मतलब आप इस गाड़ी को चलाते चलाते आदी हो जाओगे कि ज़्यादा झटका प्यार से नहीं निकाल पाएगी और आप धीरे कर लोगे टाइम से। वैसे ना ये हमने जो मैनुअल चलाई थी उससे अच्छी लग रही मेरे को ये चलाने में, पता नहीं क्यों। पेट्रोल 1.2 मतलब कंफर्टेबल है, लेकिन पैसे भी बहुत मांगते हैं आपको ऑटोमेटिक के लिए। सो जो मैंने मार्केट में देखा, आई थिंक वो CVT का कुछ 1 लाख मैनुअल के ऊपर मांगते हैं और 60-70,000 AMT का ऊपर। मे बी IMT प्रोवाइड करते हैं, बट IMT के साथ इन लोगों ने टर्बो ऐड कर दिया है, तो टर्बो का कुछ 1 लाख ऐड हो जाता है और फिर 20,000 IMT का। अगर आप अगर एकदम से इसको भगाना चाहते हैं तो रबर बैंड इफेक्ट तभी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मली आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। हल्का सा पंजा दबा रहा हूँ मैं स्मूथली ना, तो ये बड़े प्यार से निकल लिया बिना शोर करे। ज़्यादा RPM में यानी कि 2000 RPM 2500 RPM के बाद ही जो है केबिन नॉइस हल्की सी अंदर आती है, ये तो वो भी नहीं आएगी। और अभी जो है हल्की हल्की टायरों की नॉइस आ रही है मेरे को अंदर, जैसे मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो मतलब हमिंग नॉइस आ रही है। स्टीयरिंग तो काफ़ी लाइट है इसका, स्लो स्पीड। स्पोर्ट्स मोड में डाल दी अभी मैंने,
थोड़ा सा अच्छा फील देगी आपको और थोड़ी सी जल्दी स्पीड गेन करने की कोशिश करेगी। 80 पहुंच गई काफ़ी जल्दी। अब इसके स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही जो है वो आप मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके ना इसको। स्मूथ इंजन के साथ स्मूथ जो है ऑटोमेटिक दे दिया इन्होंने तो पूरा एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। थोड़े से जो है हार्ड सस्पेंशन यहाँ पर कठोरता का वो प्रमाण देते हैं। थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर लग जाता है गाड़ी का यहाँ पर। तो अभी तक आपने एवरेज कितना दे रही है ये देखा आपने? सो टैंक टू टैंक मेजर करने का तो चांस नहीं मिला, बाकी एमआईडी कुछ 11 टू 13 शो करता है। आप सिटी के अंदर ही चला रहे हो? सिटी के अंदर चला रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी शायद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा इसमें आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग। ऐसा तो नहीं है, खैर आपकी आदत इम्प्रूव होगी जिससे कि आप अच्छा एवरेज निकाल पाओगे बाद में। अब इसे कभी हाईवे पर लेके जाना आपको ऑटोमेटिकली अच्छा एवरेज देगी ये। CVT जो है अच्छा एवरेज निकाल लेता है हाईवे में अगर आप कांस्टेंट स्पीड में लाइट फुट में चलते रहते हो ना। अभी डिफॉगर ऑन कर दिया है मैंने, AC का कंप्रेसर भी ऑन कर दिया है तो थोड़ा सा पता चल जाएगा हमको कि AC में कैसे चलती है। AC के साथ स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा फ़र्क तो देखने को मिल रहा है यहाँ पर हल्का सा। अब मैंने जो है नॉर्मल मोड में डाल दी है यानी कि डी मोड में डाल दी है। सही चल रही है इसमें अभी। जो AC का इफ़ेक्ट है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है जिससे कि आप परेशान हो। ठीक है, नॉर्मली स्मूथ ड्राइव काफ़ी अच्छे से कर लेती है ये गाड़ी AC ऑन होने के साथ साथ। जो इसका साइलेंट केबिन है ना उसकी वजह से हाई स्पीड में भी चल रही है ना तो एहसास कम हो रहा है कि ये कुछ तेज चल रही है। रबर बैंड इफेक्ट तो सारी CVT में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें 1.2 के अकॉर्डिंग कम है। ये दिक्कत है इसके अंदर, जब जैसे बंद भी करते हो ना पूरा आप नॉर्मल अगर गाड़ी से आते हो किसी भी नॉर्मल गाड़ी से तो इतने में बंद हो जाती है गाड़ी, तो बार बार आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मतलब कि जोर लगा करके करना पड़ता है आपको। टायर का नॉइस इसका ये न्यू कार्स में ऐसे ही रहता है या फिर? वो डिपेंड करता है टायर की क्वालिटी पे। अभी ये इतना नॉइस कर रही है, अगर आप नेक्स्ट टाइम टायर चेंज करेंगे तो दूसरा कोई बढ़िया टायर लगाएंगे किसी अच्छे ब्रांड का और कंपाउंड देख के लगाएंगे कि सॉफ्ट है, अगर वो सॉफ्ट है तो कम नॉइस करेगा। इससे पहले जो मैंने i20 चलाई थी उसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं थी, मतलब इससे लोअर वेरिएंट था, इसमें है तो अब मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। उसमें थोड़ा सा मैं नीचे बैठता हूँ। स्पोर्ट्स मोड के अंदर तो एक्चुअल में आपको स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है इसका, ये अगर आप फील करके देखना जब भी आप इसको ड्राइव करके देखें। वैसे अगर मैं बात करता हूँ इसके कंपटीशन में बलिनो जो CVT आती है उसमें आपको थोड़ी सी इंजन नॉइस वगैरह जो है वो ज़्यादा फील होगी। रबर बैंड इफेक्ट उसके अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फील होगा। बिल्कुल सही बात है जो इन्होंने कंसिडर करी थी कि नई लेकर के आई है i20 तो थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ आई होगी ये कॉम्पिटिशन के बजाय। स्पोर्ट्स मोड का मज़ा आता है लेकिन एवरेज जो है आप देख लीजिए 10 की दिखा रहा है फिलहाल ये। इससे ठीक उल्टा जब हमने मैनुअल चला रहे थे तो उस टाइम करीबन 17-18 के आसपास दिखा रहा था, तो 8 किलोमीटर के आसपास का जो है पर लीटर के आसपास फर्क है, तो ये बड़ी बात है यार। वैसे अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर इतना ही फर्क है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको इसका CVT लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये डिपेंड तब भी करता है आप चला कहाँ रहे हो, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो मुश्किल ही है एवरेज निकलना। ये फिर भी मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है कि 13 के आसपास निकाल देगी है ना, 13-13.5-14 के आसपास सिटी के अंदर, और हाईवे पे मैनुअल से ज्यादा निकालेगी। यार एक ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो और कोई गाड़ी है भी नहीं, बड़ा ही सोच समझ के लेकर के आए हैं ये इस जगह के ऊपर। जैज को काफ़ी टाइम हो गया है, बलिनो को बहुत टाइम हो गया है, लोग नया चाहते थे और इसका अच्छा खासा नाम भी है i20 का, तो यहाँ पर इसको ले सकते हो। आराम पसंद इंसान जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर जा सकते हैं, मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको मज़ा भी आता है।
और क्या बताएं आपको इसके बारे में, अच्छी खासी चल रही है सीवीटी के हिसाब से गाड़ी। जो पहले वाली जो चीज़ थी ना, लेजीनेस जो थी, वो अब इस i20 के अंदर नहीं लग रही है इतनी। पैसे बढ़ाए हैं लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट भी दिया है इस चीज़ का। स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कैबिन नॉइस नहीं आती है जितनी उनका, अगर स्पोर्ट्स मोड अगर लगाते हो किसी का भी, चाहे वो जैज का लगा लो चाहे बलिनो का लगा लो, ठीक है, तो आपको एकदम से जो है वो RPM जैसे ही बढ़ते हैं ना कुछ ज़्यादा साउंड हो जाता है, लगभग डबल हो जाती है। एक बार आप ट्राई करके देखना उनको। लेकिन फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अल्ट्रोस जैसे कि अभी जा ही रही है लाइट से, उसके अंदर अगर यही सारे फीचर्स वगैरह होते, क्योंकि उसका स्टीयरिंग फीडबैक बड़ा ही शानदार है, मैं तो कहता हूँ कि वो मेरे ख्याल से बेस्ट है सेगमेंट के अंदर स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह, तो उस लेवल का तो नहीं है, पोलो का भी अच्छा है, उस लेवल का तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ ख़राब भी नहीं कह सकते हो आप इसको, बलिनो से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा, जैज से भी अच्छा लग सकता है आपको। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट SUV का भूत सवार नहीं है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए यार, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो हाँ जा सकते हैं भाई इसके ऊपर, कोई आपका ख़राब डिसीजन नहीं होगा। मेरे को क्या लग रहा है कि धीरे धीरे ये मार्केट पकड़ेगी गाड़ी आगे जा करके, धीरे धीरे अब जैसे जैसे लोगों को एकदम से लगा जैसे लॉन्च हुई थी तो कि हाँ यार ये तो बड़ी ओवर प्राइस होगी ये गाड़ी और वो सारी चीज़ ना, लेकिन अब लोग चला करके भी देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ यार ठीक है। जैसे इन्होंने चलाई थी, कई सारी CVT चलाई लेकिन ये ही पसंद आई, क्योंकि इसमें फील गुड फैक्टर है थोड़ा सा ना, उस वजह से ये गए। 30-40 हज़ार रुपये का इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने लंबी रखनी थी गाड़ी, तो उन्होंने एक सही डिसीजन लिया, कोई बात नहीं 8-10 साल में ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ऐसा ना जी। वैसे कहीं लंबा ले गए इसको? लंबा 120 किलोमीटर से नीचे नीचे लेके गए। सिटी एरिया में ही चलाई अभी तो, हाईवे पे ले जाने का कोई चांस नहीं मिला अभी तो। और मेरे को लग रहा है कि सिटी एरिया में सबसे ज्यादा अभी लंबी चली होगी जैसे कि हम ड्राइव कर रहे हैं ना। नीचे से अटने वाला मसला हो सकता है इस गाड़ी का, मतलब खराब रास्तों के ऊपर कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा ऊंचा ब्रेकर आ गया तो वहां पर आप थोड़ा सा जरूर झिझक सकते हो। आपको इसके डिज़ाइन वगैरह से कोई शिकायत है क्या? नहीं, मुझे इसका एक्सटीरियर लुक्स अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, आई थिंक ये भी एक रीज़न था कि शायद ये i20 पे जाना चाहिए। पता है क्या, इस गाड़ी में उन्होंने कहीं पर कुछ कमियां नहीं छोड़ी हैं। अब ये तब तक का है भाई जब तक इसकी सेफ्टी रेटिंग नहीं आती है, ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते कि क्या सेफ्टी रेटिंग वगैरह आती है, क्योंकि अगर ये कंपटीशन के अंदर देखते हैं कोई भी गाड़ियाँ, तो किसी में कुछ कमी है किसी में कुछ कमी है। बलिनो की बिल्ड क्वालिटी जाहिर है, क्या कहते हैं कि जैज काफ़ी टाइम से वैसे ही आ रही है और उसका मार्केट का रिस्पांस भी इतना कोई ख़ास नहीं है गाड़ी का, और माइलेज वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा कमी है उसका इशू। अल्ट्रोस अगर चला करके देखोगे बहुत बढ़िया गाड़ी है लेकिन लेज़ी फील होती है, तो इन सारी कमियों को दूर करते हुए i20 जो है ये आई है फिलहाल। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लेती है लेकिन कमी नहीं है। कहने का मतलब है सभी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी इसमें मिल जाती है, जो जो आपकी यूज़ की हैं, जितना आप यूज़ करते हो और जितना आपकी काम आने वाली है। ये दरवाजे वाली कॉमन बीमारी है वैसे इसकी, ये देखो बंद नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब बंद हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि ये कैसी CVT चलती है, आप इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच समर्थ भाई, आप आए, बिल्कुल नई गाड़ी आपने हमें दी, चला करके देखी कि कैसी है। आपका डिसीजन हमें तो सही लग रहा है, जिस हिसाब से आपने पैसे खर्च करे हैं, जो आपकी चीज़ें थी उस हिसाब से। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी का जो है वो हमारे दर्शकों के साथ में रिव्यू करवाना चाहते हैं, मतलब कि बताना चाहते हैं अपनी गाड़ी के बारे में, तो मोस्ट वेलकम, हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी के ऊपर संपर्क कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो कि तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर पूछना है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप पूछ सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट डालिए, 2-व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। जय हिंद।
जय भारत, भारत माता की जय।